What are you going to learn in this program? इस प्रोग्राम में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1. सेक्शन 1 में हम सीखेंगे what is automation, types of automation, control, how can we control the machines, what do we need to control any machine, and we will be learning most widely used modern control systems in industry. इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम आज के डेट पे यूज हो रहा है उस कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे. तो पहला सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन देखेंगे, कंट्रोल के बारे में समझेंगे, हाउ कैन वी कंट्रोल द मशीन्स, मशीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल द मशीन्स, हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है मशीन को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे ज़्यादा यूज्ड मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे. जब हम कंट्रोल और ऑटोमेशन समझ जाएंगे तब हम सेक्शन 2 में मूव करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी क्या क्या है, पीएलसी को किस किस कैटेगरी में कैसे रखा जाता है. So based on architecture, based on number of IOs, based on output type, different types of PLCs available है market पे. तो कौन सा PLC कब use करना है, कैसे हमको पता चले कि how to select the right PLC for our requirement, वो सारा चीज़ हम section 2 में देखेंगे. फिर हम move करेंगे section 3 पे. सेक्शन 3 पे हम ये देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल क्या है, टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस क्या क्या है, आईओ मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आईओ कार्ड्स क्या होते हैं, वो सारे डिटेल्स हमें हम देखेंगे इन सेक्शन 3. सेक्शन 4 कंटेन्स हाउ डज पीएलसी वर्क, मतलब पीएलसी कैसे काम करता है, उसका स्कैन साइकिल देखेंगे, स्कैन टाइम समझेंगे, प्रोग्रामिंग है पीएलसी, पीएलसी को कैसे प्रोग्राम करना है, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं, टूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम है पीएलसी, कि पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या क्या टूल्स चाहिए. सेक्शन 5 कंटेन्स हाउ टू राइट लेडर, बेसिक सिम्बल्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग लेडर लॉजिक विथ एग्जाम्पल्स. तो इस सेक्शन में हम कुछ एग्जांपल लेंगे और पूरा का पूरा लैडर लॉजिक को समझेंगे. सेक्शन 6 रूल्स टू राइट लैडर, लैडर को लिखने का क्या क्या रूल्स होता है वो समझेंगे, कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग लैडर, ये सेक्शन 7 में आएगा, जहाँ पे हम क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, सो दैट हमको प्रॉपर नॉलेज मिल सके लैडर का, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. फिर हम देखेंगे सेक्शन 8 पे लर्निंग द राइट वे टू लर्न लैडर केस 1. तो यहाँ पे हम सही तरीके से लैडर को लिखना और सीखना दोनों चीज़ देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं. सेक्शन 9 इज सेम लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लैडर केस 2. तो दो केस लेंगे और दोनों केस में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिससे हमको पूरा का पूरा लैडर का सारा आइडिया मिल जाएगा. Then we will be learning in section 10, let's modify the ladder. Ladder logic को कैसे modify कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा modify करते time, हम वो चीज़ देखेंगे. फिर हम सीखेंगे section 11, जो कि key है किसी भी PLC का, कि syntax, मतलब grammar क्या होता है, syntax क्या होता है किसी भी PLC का. तो सिंटेक्स को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 12 में हम इंट्रोडक्शन टू आरएस लॉजिक्स, जो कि रॉकवेल ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को समझेंगे, हाउ टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट हम लिखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स क्या होता है, डाटा फाइल्स क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स, वो सारा चीज़ हम आरएस लॉजिक्स सॉफ्टवेयर पे देखेंगे. फिर राइटिंग रियल टाइम लेटर इन आरएस लॉजिक्स, कि रियल टाइम लेटर लॉजिक हम लिखेंगे आरएस लॉजिक्स पे, असाइनिंग द वेरिएबल्स, वेरीफाइंग एंड कंपाइलिंग, सेविंग द प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, नया प्रोजेक्ट, उसमें स्टेप वाइज आपको हम सारा चीज़ बताएंगे कि उसका डाटा फाइल क्या होता है, प्रोग्राम फाइल क्या होता है, रियल टाइम लेटर लॉजिक कैसे लिखते हैं, वेरिएबल को कैसे असाइन करना है, वेरीफाई कैसे करना है, कंपाइलिंग कैसे करना है और कैसे प्रोजेक्ट को सेव करना है.
फिर सेक्शन 13 पे हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट को रीओपन कैसे करें, एरर करेक्शन कैसे करें, फाइंडिंग द फॉल्ट्स, इंट्रोडक्शन टू आरएस लिंक्स एंड इमुलेटर, तो सिमुलेशन क्या होता है, फोर्सिंग कैसे करते हैं, फिर अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, अंडरस्टैंडिंग द फोर्स फाइल। तो ये सेक्शन 13 और सेक्शन 12 पूरा का पूरा आरएस लॉजिक्स पे है। सेक्शन 14 पे जब हम जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर डिटेल्स, ये जो आरएस लॉजिक से, आरएस लिंक से, इमुलेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इनको इंस्टॉलेशन गाइड कि कैसे इंस्टॉल करना है, इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उसका पूरा डिटेल्स रहेगा सेक्शन 14 पे। फिर सेक्शन 15 पे हम इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, आपको कुछ सप्लीमेंटल मटेरियल्स देंगे फॉर फर्दर स्टडीज, सैम्पल प्रोग्राम्स देंगे फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके बाद आप किसी भी पीएलसी में आप आराम से लैडर लॉजिक को लिख सकेंगे, आप लैडर लॉजिक को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, मॉडिफाई कर सकेंगे। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद यह हमारा गारंटी है कि आप आराम से किसी भी टाइप के पीएलसी को हैंडल कर पाएंगे।